जरूरी तो होता है, जैसे पेरेंट्स जरूरी है वैसे गुरु भी जरूरी है। सबसे ज़्यादा तो वो हैं ही इतने अच्छे कि उनको एक बार सुन लो, एक बार देख लो, तो फिर मन ही नहीं हटता उन पे से। तो ना बहुत अच्छे, मतलब मैंने सोच लिया था कि भाई एक तो उनको देख के ही मन करता है गुरुजी को कि भाई अब तो मिलना है इनसे। मतलब उनकी सुंदरता को देख के आए ना? हाँ वो तो लगता है ना, उनकी सुंदरता का तो कौन फैन, ये सभी है, हम तो हैं भाई। और क्या, वो तो सामने से टीवी पे हर जगह खूबसूरत ही नज़र आते हैं। और क्या, मैं तो उन्हीं को देख के आई थी एक बार। अब तो चलो थोड़ा सा लालच आया था कि ना अब मिलना है। कैमरे के पीछे और कैमरे के आगे सेम जैसे हैं या कोई एटीट्यूड? अरे एटीट्यूड की तो आप बात ही मत करो, उनमें ऐसा कुछ भी नहीं है। आप क्या कहना चाहते हैं? मुझे भी बहुत अच्छा लगा, मैं तो पांचवी बार आई हूँ। मैं 2 साल से गुरुजी से जुड़ी हुई हूँ। मैं मेरी फ्रेंड के थ्रू जुड़ी थी, मेरी फ्रेंड ने मुझे बताया था कि आप एक बार वहाँ जाओ, तो उससे मेरे बहुत सारे काम बने। मुझे अपने ब्यूटिशियन के कोर्स को आगे करना था, उसमें आगे बढ़ना था, तो उसके लिए मैंने इनसे बोला कि मुझे पार्लर खोलना है, तो भाई उन्होंने मेरा वो करवाया। सारे काम हुए हैं, जब भी गुरुजी से या बालाजी से मैंने जो भी बोला है उन्होंने सब किया है। थोड़ा टाइम लगता है, पेशेंस रखने पड़ते, बाकी सब हो जाता है। बालाजी की बहुत बड़ी कृपा है, सब हो जाएगा। अच्छा, मतलब कितना टाइम आपने 1-2 साल पहले जुड़े थे? हाँ, मैं 22 से हूँ। 22 में सितंबर में मैं फर्स्ट टाइम आई थी, तब टोकन वाला सिस्टम था, तब टोकन डालने के अकॉर्डिंग आई थी कि भाई गुरुजी से मिल जाऊँ। लेकिन गुरुजी यहाँ पे आने के बाद में मुझे लगा नहीं कि गुरुजी से मिलने की ज़रूरत है, क्योंकि मेन जो है वो बालाजी हैं, बालाजी की कृपा है। आने से पहले ही मुझे बालाजी की कृपा इतनी मिली, गुरुजी से मिलने का ऐसा कुछ लगा ही नहीं कि भाई उनसे मिलना है। वो दूर से दर्शन हो जाते हैं, वही मेरे लिए बहुत है। और इस बार तो गुरुजी से दर्शन भी हो गए, बात भी हो गई, तो और भी अच्छा है। आना एकदम बहुत अच्छा रहा इस बार भी, अच्छा लगता है। जब से आप इनसे जुड़े हो तो क्या क्या चेंजेस क्या आए हैं लाइफ में, करियर में? लाइफ में भी चेंजेस आए हैं, करियर में भी आए हैं, और अच्छा ही हुआ है। मतलब कि जो नेगेटिविटी होती है ना वो सब निकल गई है, जो भी होना है सब अच्छा होगा, और बाकी सब तो बालाजी के ऊपर है। मैं तो सब कुछ छोड़ के चलती हूँ उनके ऊपर, अच्छा बुरा जो भी है सब वही देखेंगे। मेरी साइड से तो सब अच्छा है, और भाई जो भी आते हैं उनको भी फ़ायदा ही, आप जानते हो इतनी भीड़ है तो प्रॉफिट तो है ना, लोगों को फ़ायदा है तभी आते हैं। अच्छा, कोई ऐसा मिरेकल जो होने वाला नहीं हो और हो गया हो पब्लिकली आप बताना चाहें, कोई ऐसे आपने मन्नत मांगी हो बालाजी से और वो पूरी हो गई? मन्नत तो ये है कि मैं थोड़ा सा नज़र वजर से भी रहती थी, मैंने 7 साल तक बहुत इलाज करवाया, हर किसी को दिखाया, होता है ना झाड़ फूक वाला, बहुत करवाया था, लेकिन कहीं फ़ायदा नहीं मिला मुझे। लेकिन यहाँ पे फर्स्ट टाइम से ही मुझे हो गया कि हाँ अब बालाजी हैं, उनका हाथ मेरे सर पर है, अब कुछ नहीं होगा, अब बिल्कुल ठीक हूँ मैं, उनकी कृपा से मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ। ना कोई डरना डराना, नहीं तो मैं अकेली भी नहीं रह सकती थी पहले तो, पर आज मैं, मेरे घर में एक अलग से रूम है उनके लिए, अलग से मंदिर बना हुआ है, एक पूरा रूम उन्हीं का है, और मैं पूरे घर में अकेली रह लेती हूँ, मुझे बिल्कुल डर नहीं लगता। बाकी मैं पहले अकेली भी नहीं रह सकती थी, अब उनकी कृपा जब से हुई है तब से मैं सब। मतलब किसी की ज़िंदगी में या भक्त की ज़िंदगी में गुरु का कितना महत्वपूर्ण स्थान होता है या फिर क्यों ज़रूरी होता है? ज़रूरी तो होता है, जैसे पेरेंट्स ज़रूरी है वैसे गुरु भी ज़रूरी है। पेरेंट्स तो हमें सिखाते हैं, बट गुरु हमें जैसे कि जीने के लिए भाई अच्छा बुरा जो बच्चा घर से सीखता है, बट गुरु से और भी ज़्यादा सीखता है ना। मुझे गुरुजी से बहुत कुछ सीखने को मिला है, मैं डेली कथा सुनती हूँ, डेली कथा सुनती हूँ इनकी भाग, वो जो भी वो करते हैं हनुमान कथा करते हैं वो सब कुछ देखती हूँ। सबसे ज़्यादा तो वो हैं ही इतने अच्छे कि उनको एक बार सुन लो, एक बार देख लो, तो फिर मन ही नहीं हटता उन पे से। तो ना बहुत अच्छे। तो आपने उनसे पिछले 1 साल में जब से आप जुड़े तो क्या सीखे, क्या, हाँ 2 साल माफ़ करें, तो मतलब क्या सीखा आपने या उनकी बातों से या उनकी कथाओं से? उनकी बातों से बहुत सारा चेंजेस आया लाइफ में। देखो लोगों से, मतलब किसी के सामने कुछ भी कहना या उनसे होप्स नहीं रखनी, जो होप है वो बालाजी से रखनी है। वो यही मतलब मैं तो यही चाहती हूँ कि मैं किसी के आगे कुछ ना बोलूँ, जो बोलना है मैं बालाजी से बोल देती हूँ,
वही गुरुजी मेरे सपने में आते हैं। जो भी अगर मुझे क्वेश्चंस मेरे माइंड में जो चल रहे होते हैं ना, वो गुरुजी आके मुझे सपने में जवाब दे देते हैं। मैं वही समझ जाती हूँ कि हाँ, उनकी कृपा मेरे ऊपर है। इंडिया में बहुत सारे गुरु हैं, बहुत सारा धाम है, तो आपने मतलब इनको ही क्यों चुना? ऐसा क्या लगा आपको कि ये राइट गुरु हैं, ये राइट प्लेस है, यहाँ से जुड़ना चाहिए? मुझे तो मेरी फ्रेंड ने बताया था, तो मेरा जब मेरी फ्रेंड ने बताया तो तब तो मुझे ऐसे जब मैं इतना जानती भी नहीं थी इनके बारे में, उसने मुझे बताया तो फिर उसके बाद में मैं आई, फर्स्ट टाइम अकेली आई थी, उसके बाद में आई जैसे देखा, फिर ये दिखे तब ये राम मंदिर में यहीं बैठते थे, तब देखा मैंने, तो उनको देखने के बाद में कहीं जाने की इच्छा ही नहीं हुई। और फिर मैंने तो बालाजी देखे, और फिर जाने के बाद में जो लाइफ में चेंज हुए ना, उसके बाद में तो आप फिर कई इच्छा ही नहीं होगी ना आपकी जाने की। जैसे आप बागेश्वर फर्स्ट टाइम आए, हाँ। उसके बाद यहाँ से जाए गए, फिर क्या चेंजेस, क्या मतलब लाइफ में बदलाव बहुत सारा है, मैं आपको बता नहीं सकती कि बदलाव क्या क्या है। बदलाव में तो ये देखो आप कि लाइफ में आप जो चाहोगे वो मिलेगा, जब आपको सडनली सब कुछ मिलने लग जाएगा तो फिर आपको भरोसा होगा ना उन पे। अचानक से ही सब कुछ मिलने लग जाए, अचानक से ही सब बिल्कुल, आप कहाँ थे और कहाँ हो जाओ, तो वो आप सोचो, फिर आप खुद आओगे ना, आप खुद सोचोगे कि भाई हमारी लाइफ इतनी चेंज हो गई, हम कहाँ थे। जैसे कि एक होता है ना, इंसान के माइंड में नेगेटिविटी होती है काफ़ी ज़्यादा ना, कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता, वो ऐसा कुछ भी नहीं है। जब यहाँ आने के बाद में आपको लगेगा कि अगर गुरुजी साथ है ना, आप सब कर सकते हो, जो चाहेंगे वो। अच्छा, जैसे हनुमान जी की पूजा कर कैसे आप पूजा करते हो, मतलब एक भक्त जानना चाहेगा कि आप कैसे पूजा पाठ करते हो? मतलब मैं सुबह शाम पूजा करती हूँ, जैसे कि पहले वो जो घर में नॉर्मल अपने दिया बत्ती होती वही करती हूँ, सुबह पाठ करती हूँ हनुमान चालीसा का, और राम जी की स्तुति करती हूँ। उसके बाद में मैं शनिवार और उसको मंगलवार को जो अपने से हो जाता है भोग, वो बनाते हैं घर में, वो चढ़ाते हैं। मैंने लहसुन प्याज भी छोड़ दिया, उसके बाद में से लहसुन प्याज भी नहीं चलता बिल्कुल भी। तो जो होता है आप अपने हिसाब से कर लो, वो ये नहीं कहते कि आपको प्रॉपर यही करना है। सबका जो पूजा पाठ का तरीका होता है घर में, जैसे आपके घर में होता है, वो अलग अलग होता है, सबके घर में सेम नहीं होता। हाँ, नहीं हो सकता, आपके रिचुअल्स अलग होंगे, हमारे अलग हैं, तो जो मेरे से बन पड़ता है मैं वही करती हूँ, लेकिन पाठ मैं डेली करती हूँ, पाठ सुबह शाम डेली, वो तो मुझे करना ही करना, उसके बिना तो मुझे नींद ही नहीं आएगी, वो तो मुझे करना ही है। मैं हनुमान चालीसा, जैसे पहले के गुरु थे जो ओल्ड एज वाले, वो मतलब लड़कियों को बोलते थे कि अरे हनुमान जी के पास नहीं आना, हनुमान जी, तो कितना आपने सरल हुआ है जब? हाँ हाँ, ये थॉट ना अभी भी, हाँ मतलब आपने क्या सुना? हाँ, मेरे घर में, हाँ ऐसा, एज अ गर्ल ऐसे बोलते हैं ना कि हनुमान जी ब्रह्मचारी हैं, तो आप लड़कियाँ उनको छू नहीं सकती, लड़कियाँ उनका व्रत नहीं कर सकती, लड़कियाँ हनुमान चालीसा नहीं पढ़ सकती, तो ऐसा कुछ नहीं है। उन गुरुजी ने बोला है कि आप उनको अपने फादर या ब्रदर या आप उनको गुरु के रूप में देखो, तो आप क्यों नहीं कर सकते? आप अपने क्या माँ बाप के लिए नहीं करते? अपने पापा के पास भी तो बैठते हो, अपने पापा को भी तो छूते हो, तो वो क्या मैं तो उनको अपने पिता समान मानती हूँ, तो मैं उन पूजा भी करती हूँ बाकायदा। अगर मंदिर की सफाई करेंगे तो हमारे मंदिर में जैसे कि उनकी फ़ोटो है उसको भी, पहले तो वरना घर में कहते थे कि हनुमान जी की फ़ोटो के हाथ भी नहीं लगानी है लड़कियों को ना, और व्रत जो होता है वो भी सिर्फ लड़के कर सकते हैं, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। आप उनको अगर एज अ फादर, एज अ ब्रदर अगर आप मानते हैं, गुरु मानते हैं, तो आप कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। मैं तो करती हूँ, किसी को चाहे कुछ भी लगे, मैं तो पाठ भी करती हूँ, पूजा भी करती हूँ, क्योंकि मुझे उस चीज़ से अगर रिलीफ है तो मैं तो करूँगी। जैसे आपका तो काम पूरा हुआ, बहुत सारे लोगों का नहीं होता, जैसे लोग दावा करते हैं फिर वो आना छोड़ देते हैं, तो मतलब जिनका हो जाता है उनमें क्या बात होती है, और जिनका काम पूरा नहीं होता उनमें क्या डिफरेंस होता है? गुरुजी कहते हैं ना कि देखो, आपको स्टार्टिंग में नियम फॉलो करोगे आप, जैसे कुछ लोग हैं कि भाई उनके घर में ड्रिंक या नॉनवेज जो भी है वो चल रहा है, लहसुन प्याज चल रहा है, आप देखो अगर पूरी तरीके से, ऐसा नहीं है आप पूरे बदल जाओ, लेकिन धीरे 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 वो चीज़ कम हो जानी चाहिए ना। आप अपने अगर उनको सच में आप मानोगे ना, तो आप अपने अंदर वो पॉजिटिव एनर्जी फील करोगे कि हाँ भाई, अपने आप से मन नहीं करेगा आपका, ना तो आप लहसुन प्याज खाने के लिए मन करेगा, ना ही आप ड्रिंक की साइड जाओगे, ना ही आप नॉनवेज की साइड जाओगे,
ऐसा नहीं है कि मैंने वो चीज़ देखी नहीं है, देखी है, बट अब मन नहीं करता ना उस साइड जाने की, बिल्कुल इच्छा ही नहीं करती भाई। ये है कि हमें तो सादा सिंपल खाना खाना है, क्यों उनके काम इसीलिए नहीं बनते ना, वो सारे जो रूल्स होते हैं वो बताते हैं, बाकायदा आपने देखा होगा वो कथा में बताते हैं। अगर वो कथा में बताते तो आपके भले के लिए बताते हैं ना, कि आप वो चीज़ सुनो, वो चीज़ देखो, उसके अकॉर्डिंग अगर आप वो सारी चीज़ें करोगे डेफिनेटली काम होना है आपका, क्यों नहीं होगा, हमारा हुआ है तो आपका भी होगा। मतलब जिनके काम पूरे नहीं होते उनकी पूजा में कोई कमी रहती है या फिर नियम नहीं करते? नियम नहीं कर पाते, नियम नहीं करते मेन तो क्या, नियम अगर आप जानते हो बालाजी के जो नियम होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं, तो वो जैसा है अगर वो आपको देंगे ना तो उससे पहले आपकी परीक्षा भी लेंगे कि आप उनके लिए कितना कर सकते हो। अगर आप उनके लिए कर रहे हो तो वो आपको ज़रूर देंगे, हमने किया है कुछ तो किया होगा, तभी तो हम आज मैं हमेशा आती हूँ, मैं तो बर्थडे से ले कर न्यू ईयर तक मेरी तो यहीं मनते हैं, तो फिर मैं क्यों आती हूँ, क्योंकि मेरे को फ़ायदा हुआ है ना, इसीलिए आती हूँ। यूथ में क्या क्या चेंजेस देखे हैं? मैंने तो इनकी कथा तो बहुत पहले से सुनी थी, मतलब कथा मैंने सुनी इनकी लगभग एक दो महीने हुए होंगे, उसके बाद में मुझे लगा कि जाना है जाना है, जैसे ही जाना मतलब मैंने सोच लिया था कि भाई एक तो उनको देख के ही मन करता है गुरुजी को कि भाई अब तो मिलना है इनसे, तो ये तो मतलब उनकी सुंदरता को देख के आए ना? हाँ वो तो लगता है ना, उनकी सुंदरता का तो कौन फैन नहीं है, सभी है, हम तो हैं भाई, और क्या, वो तो सामने से टीवी पे हर जगह खूबसूरत ही नज़र आते हैं और क्या, मैं तो उन्हीं को देख के आई थी। फिर यहाँ आने के बाद उनको देखने के बाद में उनको देखा वो ठीक है, लेकिन बालाजी मेन है, उन्होंने भी बोल रखा है कि आप बालाजी पे भरोसा रखो, तो मैं तो बालाजी पे ही जब आई हूँ फर्स्ट टाइम आई थी उनकी वजह से आई थी, लेकिन फिर भरोसा बालाजी पे हुआ तो मैं बालाजी से जुड़ गई। उसके बाद में फिर यूँ मान लो मैंने उनकी तरफ सोचा ही नहीं कि भाई मुझे उनसे मिलना भी है, पर हाँ इस बार मैं सोच के आई थी कि एक बार, अब तो चलो थोड़ा सा लालच आया था कि ना अब मिलना है, पर इस बार वो हमें मिले, बहुत अच्छे से मिले, उन्होंने भभूति दी, बाकायदा बात करी, बहुत अच्छे, ये फर्स्ट टाइम आए हैं दीदी, इनसे भी मिले। कैमरे के पीछे और कैमरे के आगे सेम जैसे हैं या कोई एटीट्यूड? अरे एटीट्यूड की तो आप बात ही मत करो, उनमें ऐसा कुछ भी नहीं है, वो जैसे हम लोग आए ना तो उन्होंने, जैसे हमने खाना नहीं खाया था तो उन्होंने बोला कि उनको वहाँ पता चल गया कि हम लोगों ने खाना नहीं खाया, हमारा बस का ट्रैवल था, फिर बस से फिर ट्रेन में था तो हमने खाना ही नहीं खाया, तो उनको पता चल गया कि आते ही बोलता कि आ गई आप, मैंने कहा आ गई, तो उनको ये चीज़ पता, फिर उन्होंने कहा कि आप खाना खा लो पहले, क्योंकि हम उनका इंतज़ार कर रहे थे कि खाना वाना तो देखी जाएगी, पहले उनको एक बार देखना, देखने की छोड़ो उन्होंने तो मिले, बातचीत करी अच्छे से, तो बहुत अच्छा लगा, एकदम आना बहुत सफल हुआ, और मैं तो यही चाहूँगी अब हर महीने पॉसिबल नहीं हो पाता, पर फिर भी कोशिश करूँगी कि हर महीने ही आऊँ। लास्ट में आप फाइनल कमेंट में जो बागेश्वर धाम के करोड़ों दर्शक हैं, भक्त हैं, उनको क्या बोलना चाहिए? भाई यही है, भरोसा रखो, आओ, और बोलने की तो ज़रूरत ही नहीं है ना, आप भी जानते हो बोलने की ज़रूरत नहीं है, इतनी पब्लिक है तो कुछ ना कुछ तो है ना, सब आओ भाई, और वो जो नियम बताते हैं जो भी बोलते हैं उस चीज़ को फॉलो करो, क्यों नहीं होगी विश पूरी, सबकी विश हमारी हुई है तो आपकी भी होगी, थोड़ा सा पेशेंस भी रखो अपने अंदर ना, अगर वो परीक्षा लेते हैं आपकी तो आपको डबल करके आपको प्रॉफिट देंगे, तो वो थोड़ा सा पेशेंस रखोगे तो सब अच्छा हो जाएगा, हमने भी पेशेंस रखे थे। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू थैंक यू थैंक यू।